अगर गाइस आप मेरे चैनल के थ्रू आते हैं और मेरा नाम बताते हैं तो आपको भैया जो है हर बाइक के जो भी आप बाइक परचेज करते हैं उसके साथ आपको एक हेलमेट फ्री मिलने वाला है। तो भैया हेलमेट दिखा दीजिए एक बार हमारे ग्राहक को जो फ्यूचर के ग्राहक है हमारे। अगर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीर शर्मा और आप देख रहे हैं डीके मोटर लाइफ। तो आज मैं आ चुका हूं अमित बाइक पॉइंट पे, जो कि मेनली सेकंड हैंड बाइक्स में डील करते हैं, लेकिन अगर आप न्यू बाइक भी लेना चाहते हैं तो यहां पे आके आप ले सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेनली जो है सेकंड हैंड बाइक्स में डील करते हैं, लेकिन न्यू बाइक में भी आपको अच्छा खासा प्राइस में डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ इस शॉप के ऑनर से। भैया अपना नाम बताइए। अमित साहू। तो भैया मैं जानना चाहूँगा भैया ये शॉप जो है कब से है आपकी? 2008 से है सर मेरी शॉप। ठीक है, तो भैया आज आप हमारे व्यूवर्स को कौन कौन सी बाइक दिखाने वाले हो? जी मेरे पास सभी कंपनियों की बहुत सारी बाइकें हैं, यूज्ड बाइकें, हर कंपनी की बाइकें और हर मॉडल उपलब्ध है। जो भी चाहिए कस्टमर अगर आता है तो उनको हम सब कुछ उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम जो है स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स को बाइक दिखाना, ठीक है, और कुछ फीचर्स भी बता देते हैं अपने व्यूवर्स को ताकि वो थोड़ी सी डिटेल्स को मिल सके। बाकी वो डिटेल्स लेना चाहेंगे तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। एंड हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भैया का नंबर है वो आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भैया का एड्रेस एंड नंबर आपको दोनों ही मिल जाएगा, इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आपको बाइक पसंद आए प्लीज़ उसका स्क्रीन शॉट लेके भैया को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको ही जरूर ही रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले भैया ये बाइक बताइए इस बाइक के बारे में। ये आपके सामने जो बाइक है हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 2017 मॉडल बाइक है, फर्स्ट ओनर बाइक है, जो कि केवल 30,000 रुपये में ही बाइक है। अलाई व्हील के साथ है, ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर, सेल्फ स्टार्ट बाइक है, फर्स्ट ओनर बाइक है, केवल 30,000 रुपये में ये बाइक उपलब्ध है। तो भैया मैं जानना चाहूँगा कि ये बाइक जो आपने बताया इस बाइक का प्राइस क्या ये फिक्स है या कुछ नेगोशिएबल भी है? ऑन काउंटर थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, नेगोशिएबल का ऑन काउंटर कर लेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाइक है हमारी ये हीरो होंडा पैशन एक्सपो 2016 मॉडल बाइक है, जो कि डिस्क ब्रेक डिजिटल मोटर में मिलती है। ये बाइक डिस्क ब्रेक डिजिटल मीटर वाली बाइक है, फर्स्ट ओनर बाइक है, केवल 35,000 रुपये में ये उपलब्ध है। इसका कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे को? हाँ जी, ऑन काउंटर कर लेंगे डिस्काउंट, प्लस इस बाइक में फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। नेक्स्ट बाइक है हमारी हीरो सुपर स्प्लेंडर, जी ये भी फर्स्ट ओनर बाइक है, 2016 मॉडल है, 35,000 रुपये की है, सेल्फ स्टार्ट फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन बाइक है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है और ये देखने में बिल्कुल साफ सुथरी बाइक है। आप यहाँ पे आएंगे तो और अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो बाइक है एक नंबर बाइक है और ऑलमोस्ट मुझे न्यू ही लग रही है। चलिए दूसरी बाइक की तरफ चलते भैया। दूसरी बाइक है ये हमारी बजाज प्लेटिना 100cc, सेल्फ स्टार्ट में है, अलॉय व्हील के साथ मिलती है, जो कि माइलेज देने में नंबर वन बाइक होती है, 70-75 की माइलेज देने वाली बाइक है ये, बहुत ही बेहतरीन माइलेज के लिए फील्ड में वर्क करने के लिए, जैसा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है उस हिसाब से उनके रिकॉर्डिंग बहुत ही टॉप की बाइक है ये। तो इसका आप आस्किंग प्राइस क्या बोल रहे हो भैया? आस्किंग प्राइस 30,000 रुपये केवल। ये भी ऑन टेबल नेगोशिएबल है? हाँ जी, ऑन टेबल हो जाएगा, मतलब जितनी भी यहाँ पे जितनी बाइकें हैं सारी ऑन टेबल नेगोशिएबल है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि भैया जो है EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल, यहाँ के पास लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर बाइक लेना चाहता है, अगर उसके पास बैलेंस ना हो जितना इस बाइक का अमाउंट है, तो भैया जो है उनको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं एंड आप इजीली आसानी से आपको लोन मिल जाएगा और आप बाइक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। ये भैया बाइक बताइए ये बाइक कौन सी है? ये बजाज सिटी 100 है, 110cc में बाइक, जो कि BS6 मॉडल है, दिसंबर 2020 का मॉडल है। ये तो बिल्कुल नई बाइक है जी, केवल 5,000 किलोमीटर चली है, केवल 50,000 रुपए में ये बाइक उपलब्ध है। और ये भैया इस बाइक का प्राइस अभी अगर हम नई लेने चाहे तो इस बाइक का प्राइस कितना होगा? 76,000। और उसके बाद मतलब ये टोटली ऑन रोड 76,000 है? हाँ जी, 76 की है, मात्र 5,000 किलोमीटर बाइक चली है, 26,000 रुपए आपको सस्ती मिल रही है बाइक की। आप कितने दे रहे हो? केवल 50,000 रुपए में। तो भाई ये डील जो है बुरी नहीं होने वाली, आप ये बाइक आके एक बार देखिए, बहुत बढ़िया बाइक लग रही है और BS6 मॉडल है। मतलब कि किस कौन सा ईयर का मॉडल भी है? दिसंबर 2020, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड, ऑलमोस्ट मतलब 21 ही मान लीजिए, देखो कि दिसंबर का मॉडल है। चलिए नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। ये TVS की कौन सी है भैया? TVS विक्टर बाइक है ये, TVS विक्टर, जो कि बहुत ही बेहतरीन बाइक है, अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर, डिस्क ब्रेक डिजिटल मीटर में उपलब्ध है ये। इस बाइक ये चली हुई 13,000 किलोमीटर रनिंग है ये बाइक, जो कि एकदम साफ सुथरी कंडीशन में है,
फर्स्ट ओनर बाइक है, केवल 32,000 रुपए में ये बाइक उपलब्ध है और इसकी आस्किंग प्राइस 32,000 रुपए, केवल 32,000 रुपए प्राइस है इस बाइक का, जो कि इसके अंदर आपको सेल्फ भी मिलेगा, अलॉय व्हील भी मिलेगा, डिस्क ब्रेक भी है, ट्यूबलेस टायर भी है, सारी फैसिलिटी इस बाइक के अंदर मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते भैया, ये बाइक ये पल्सर लग रही है मुझे। हाँ जी, 150 सीसी है बजाज, 150 है बजाज पल्सर, 150 DTSI, मतलब कि टेपिंग करा रखी है। हाँ जी, वो कस्टमर ने टेपिंग करा रखी है। तो ये भी बाइक आपको डिजिटल मीटर, डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील, हर एक फैसिलिटी, मतलब स्पोर्ट बाइक का जो एक नॉर्मली कम बजट में लोगों को स्पोर्ट बाइक का मजा लेना है तो वो ले सकते हैं, केवल 22,000 रुपए में ये बाइक उपलब्ध है। और इसकी भी कंडीशन काफी अच्छी, कंडीशन बहुत फर्स्ट क्लास है, मात्र 22,000 रुपए में ये बाइक हम उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि इसमें फुल ओके बाइक है। ये तो डील अच्छी है, 22,000 भैया डिस्काउंट दे रहे हैं। और इस पे भी मतलब आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, इस पे लोन फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंस जो गाड़ियां होती है 2015 मॉडल से ऊपर होती है, 2015 तक फाइनेंस करती है बैंक। लोन के लिए जो, मतलब लोन के रिगार्डिंग जो भी भैया मतलब बात होगी इनसे, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा कि मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कवर लग रही है हमारी, ये बजाज डिस्कवर 100 cc बाइक है ये। जी 100 cc की बाइक है, माइलेज में बहुत बढ़िया बाइक होती है, 60-70 की माइलेज देने वाली बाइक है और कम बजट की बाइक है, केवल 25,000 रुपये में ये बाइक उपलब्ध है, 2015 मॉडल है, अलॉय व्हील भी मिलता है गाड़ी में, सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है, मात्र 25,000 रुपये में फर्स्ट ओनर बाइक ये उपलब्ध है, बहुत ही कम अट्रैक्टिव रेट है इस प्राइस का, ये कम बजट में आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ भैया होंडा नवी भी रख रखी है आपने यहाँ पे, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट बाइक है, मतलब बहुत बढ़िया लगती है मुझे देखने में। ये होंडा नवी एक ऐसी बाइक है जिसमें आप स्कूटर प्लस बाइक दोनों का मजा ले सकते हैं। इस बाइक के अंदर आप बैठ के देखिए, आपको स्कूटर और बाइक दोनों का आनंद है इस बाइक के अंदर। इंजन स्कूटर का है, लुक बाइक का है, मतलब जिनकी हाइट कम है वो भी लोग चला सकते हैं, लड़कियां भी चला सकती है, हर कोई इसको चला सकते हैं, मतलब स्कूटर एंड बाइक दोनों का आनंद, एक गाड़ी में दोनों चीज़ का आनंद ले सकते हैं। हाँ जी, मतलब बैठने में कंफर्टेबल, इतने कंफर्टेबल बाइक है, सोकर बाइकिंग ये है, स्पेस अच्छा है और कम बजट में केवल 30,000 रुपये में, और मात्र 4,000 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक है, 4,000 ओरिजिनल चली हुई है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लोग बोलते हैं कि टेम्पर्ड होती है बाइक, लोग मीटर टेम्पर्ड करवाते हैं, तो ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमारी सारी बाइकों के मीटर आपको अलग अलग मिलेंगे, ओरिजिनल मिलेंगे, आप सबके मीटर अलग अलग मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। आप इसकी गाड़ी की टायर के हिसाब से देख सकते हैं, अभी टायर के रोई तक नहीं हटे हैं, आप दोनों टायर एकदम न्यू है, गाड़ी के साथ के टायर है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं मतलब ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है ना, मतलब ये बोलते हैं कि सेकेंड हैंड बाइक नहीं लेनी चाहिए किसी डीलर से, ये वो फलाना ठिकाना, क्यों लेना चाहिए? कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मीटर लोग टेम्पर्ड करते हैं, मीटर टेम्पर्ड करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे आप आओ, ये ऑल ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आके निश्चिंत होकर ले सकते हैं बाइक, आपको कोई दिक्कत, और भैया साथ साथ में हर बाइक स्कूटी जितनी भी आप देख रहे हो इनकी वारंटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे कि कितनी वारंटी देते हैं भैया, ठीक है। चलिए भैया अब यहाँ पे देखिए स्कूटी का आपने लाइनअप लगा रखा है। हाँ जी, और काफी सारी स्कूटियां हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे भैया, ठीक है। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए, इस स्कूटी के बारे में बताइए कुछ इसके बारे में। ये 2018 मॉडल TVS जुपिटर है, फर्स्ट ओनर बाइक है, 15,000 किलोमीटर रनिंग है ये बाइक, अलॉय व्हील के साथ मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलता है, केवल 45,000 रुपए में उपलब्ध है ये बाइक स्कूटी, केवल 45,000 रुपए में उपलब्ध है, प्लस लोन फैसिलिटी भी इस पे हो जाएगा, 7-8,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी ले जा सकते हैं, मतलब कम से कम 7,000 रुपए दे दो और ये बाइक ले जाओ उनकी हो जाएगी स्कूटी। हाँ जी, हाँ जी, स्कूटी 7-8,000 रुपए की डाउन पेमेंट भी गाड़ी हम फाइनेंस करा देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भैया, नेक्स्ट डील हमारी है होंडा एक्टिवा 125 cc, जो कि आपको डिजिटल मीटर, सेल्फ स्टार्ट, बाइक के सोकर होते हैं, बाइक वाले सोकर, इसमें बहुत सारी स्कूटियों में जो दिक्कत आती है कि सोकर से दिक्कत, इस बाइकों में बाइक वाले सस्पेंशन होता है फ्रंट का, तो 125 सीसी में बाइक होती है ये स्कूटी, 125 सीसी में बहुत ही बेहतरीन स्कूटी, जो कि डिजिटल मीटर आपको मिलेगा, इसमें क्रोम इंडिकेटर, बैक लाइट, मतलब एक अलग ही लुक है इस बाइक का, जो कि मात्र 45,000 रुपये में उपलब्ध है और 7-8,000 रुपये की डाउन पेमेंट पर भी ये गाड़ी भी मिल सकती है आपको। अच्छा, इनकी स्कूटियों की जो एवरेज होती है, जानता हूँ इनकी एवरेज कितनी होती है? स्कूटियों की एवरेज 40-45 के आसपास, मतलब कोई भी आप ले लो, 125 ले लो, 100 ले लो, लगभग जो कहने के लिए 60-65 होता है, लेकिन जो रोड पे एवरेज आती है 40-45 की ही स्कूटी की माइलेज आती है। अगर माइलेज लोगों को चाहिए तो उसके लिए बाइक ही
ज्यादा बेटर होती है माइलेज के लिए। स्कूटी 40-45 की माइलेज देती है, लेकिन स्कूटी सुविधाजनक होती है, सुविधाजनक होती है। एक स्कूटी लेके पूरी फैमिली चला सकती है, कोई भी चला सकती है, और सामान वगैरह रखने के लिए इसके अंदर स्पेस होता है, ये सुविधा होती है स्कूटी के अंदर। सबसे बड़ी सुविधा हमारे घर में स्कूटी तो होनी चाहिए भाई, मैं तो बोलता हूँ कि कभी भी कोई जरूरत पड़ जाती है, आटा वाल दाल चावल कुछ भी सामान कुछ भी है, लेडीज है घर में, बच्चों को स्कूल से लाना है, बुजुर्ग है घर की सब्जी लानी है, कुछ भी काम स्कूटी से सारे काम हर कोई कर सकता है। बाइक क्या है कि सिर्फ जेंट्स चलाते हैं, लड़कियां नहीं चला पाती हैं, तो स्कूटी को क्या है, बुजुर्ग है, बच्चा है, लेडीज है, कोई भी है, हर कोई चला सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ये बाइक होंडा की, होंडा एक्टिवा 2016 मॉडल स्कूटी है, ये बहुत ही बेहतरीन स्कूटी है जो कि माइलेज 40-45 की माइलेज दे देती है। फर्स्ट ओनर केवल 35,000 रुपये में ये स्कूटी उपलब्ध है, सेल्फ स्टार्ट, पूरी ओके गाड़ी है, कोई कोई खर्चा नहीं है, कस्टमर सिर्फ पेट्रोल डाले और चलाएं इस बाइक के अंदर। अब इसके बारे में बताइए, इस स्कूटी के बारे में कुछ। ये होंडा एक्टिवा है, हाँ जी, अलाइवल डिस्क ब्रेक में मॉडल है जी, होंडा एविएटर 2017 मॉडल गाड़ी है, 35,000 रुपये की केवल उपलब्ध है ये गाड़ी। तो इसमें फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, ये फाइनेंस हो जाएगी गाड़ी आराम से, 5-7 हज़ार रुपये की भी डाउन पेमेंट में हो सकती है अगर पॉसिबल, ठीक है, तो 5-7 हज़ार। ये फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बताइए, इसके बारे में। नेक्स्ट ये TVS की जुपिटर क्लासिक है, जो कि अलाइवल डिस्क ब्रेक में मिलती है गाड़ी, है बहुत ही बढ़िया लुक होता है इस स्कूटी का, टॉप मॉडल है जुपिटर में, है जुपिटर के वेरियंट 3-4 आते हैं, तो सबसे टॉप मॉडल में आता है जुपिटर क्लासिक, जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक है इस गाड़ी का। इसमें तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है टायर इसके बिल्कुल नए हैं, देखिए यहाँ पे जो इसके रिंकल से टूटे भी नहीं है, टायर इंजन सब कुछ बहुत बेहतरीन है गाड़ी के अंदर, कोई खर्चा नहीं है, कस्टमर को ले जानी सिर्फ चलानी है, और 2017 मॉडल है, केवल 35,000 रुपये में ये गाड़ी उपलब्ध है। इसी फाइनेंस फैसिलिटी में? हाँ जी, फाइनेंस फैसिलिटी है, फाइनेंस हो जाएगी गाड़ी की। नेक्स्ट बताइए भैया, ये TVS की जुपिटर ही है, ब्लू कलर है, कलर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं जुपिटर के अंदर, कलर तो हमारे पास लगभग कई सारे कलर में जुपिटर उपलब्ध है, तो 2018 मॉडल गाड़ी है ये, 45,000 रुपये में उपलब्ध है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये भी 12-13 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, ओनली 6,000 चली है। हाँ जी, तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, ये अच्छी गाड़ी है, मतलब 6,000 चली है, तो आप आके इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 2018 मॉडल जुपिटर है, ये भी व्हाइट कलर है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ब्लू कलर, ये व्हाइट कलर है, 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी ये भी है, ये भी 45,000 रुपये में उपलब्ध है गाड़ी, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, आपको चला सकते हैं, फुल कंप्लीट है, कुछ भी नहीं करना है इस गाड़ी के अंदर भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट गाड़ी 2015 मॉडल TVS जुपिटर, ये भी व्हाइट कलर में, केवल 27,000 रुपये में उपलब्ध है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये मात्र 27,000 रुपये में उपलब्ध है, 9,000 किलोमीटर चली है। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, 27,000 रुपये मिल रही है ये गाड़ी। नेक्स्ट गाड़ी ये भी जुपिटर है व्हाइट कलर में, ये 16 मॉडल है, 15, 16, 18, 17 सारे मॉडल जुपिटर के उपलब्ध हैं, तो ये जुपिटर मात्र 35,000 रुपये में है, प्लस फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप फाइनेंस पे भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट भी ये कौन सी है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे नाम, ये हीरो की मैस्ट्रो है, ब्लू कलर, हाँ जी हीरो मैस्ट्रो है, ये डिजिटल मीटर में गाड़ी मिलती है, 2013 मॉडल गाड़ी है, केवल 22,000 रुपये में ये गाड़ी उपलब्ध है, ब्लू कलर की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी होती है, ये भी माइलेज वही 40-45 की माइलेज देती है, तो कम बजट में जिनका विचार है कि भाई मुझे 20-22 हज़ार रुपये में स्कूटी मिल जाए, तो 20-22 हज़ार रुपये में ये स्कूटी हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो कस्टमर ले जा सकते हैं आराम से, बस ये कैश में मिलेगी, इस पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब भैया ये स्कूटी बहुत एकदम देखने में एकदम शानदार लग रही है, छोटी सी स्कूटी, छोटी स्कूटी, सदाबहार स्कूटी, घर का हर मेंबर चला ले, छोटा बड़ा कोई भी चला सकता है, और ये स्कूटी हमने केवल 12,000 रुपये में उपलब्ध है, ये केवल 12,000 रुपये, 12,000 ओनली, 12,000 रुपये में, ओनली 12,000, और ले जाओ, आओ और ले जाओ, घर का हर फैमिली चलाए, कोई भी चलाए, बूढ़ा व्यक्ति चलाए, बच्चा चलाए, कोई भी चला सकता है इस गाड़ी को, छोटी गाड़ी, बहुत हल्की गाड़ी है, बहुत हल्की गाड़ी है स्कूटी में, और बहुत बेहतरीन स्कूटी है, ऐसा नहीं है कि हल्की गाड़ी है तो सस्ती है तो बेकार है, स्कूटी में खर्चा कोई नहीं है, बहुत बढ़िया स्कूटी है, मस्त चलती है, ओके गाड़ी है, सब कुछ उपलब्ध है इस गाड़ी के अंदर भी, लेकिन 2009 का मॉडल है, केवल 12,000 रुपये में ये स्कूटी उपलब्ध है इसके अंदर। तो भैया ये नई बाइक होंडा की लग रही है, होंडा की कौन सी भैया? ये होंडा एक्टिवा 125cc गाड़ी है, 2016 मॉडल गाड़ी है, टॉप बहुत ही बढ़िया गाड़ी, डिजिटल मीटर में ये गाड़ी है, सॉकर इसमें सस्पेंशन बाइक वाले होते हैं, ये गाड़ी केवल 35,000 रुपये में उपलब्ध है कस्टमर को, बहुत ही भैया चलिए ये 15,000 किलोमीटर के आसपास है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, केवल 35,000 रुपये में कस्टमर को, ये इसमें फाइनेंस फैसिलिटी है? हाँ जी फाइनेंस फैसिलिटी है, फाइनेंस हो जाएगी गाड़ी, डॉक्यूमेंट लाएंगे कस्टमर, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है,
फाइनेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भैया लास्ट एंड फाइनल दो चीज़ें जो हमारे कस्टमर को जाननी है। अगर कोई भी हमारा जो कस्टमर आएगा आपसे बाइक परचेज करेगा जी, तो उसको वारंटी अगर आप देते हो तो? अगर कस्टमर, देखो पुरानी गाड़ियों की वैसे वारंटी तो होती नहीं है, लेकिन हमारे पास सुविधा है, कस्टमर वारंटी लेना चाहता है तो देखो ऊंचे मॉडल गाड़ियों पे हम वारंटी देंगे उसको, लेकिन नीचा मॉडल गाड़ी होगी उस पर वारंटी नहीं दे पाएंगे। ऊंचे मॉडल जो गाड़ियाँ हैं उन पर वारंटी देंगे, उसका 2100 रुपये चार्ज है, जिसके अंदर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तीन सर्विस देंगे जी। ठीक है, तीन सर्विस फ्री देंगे, जिसके अंदर सर्विस एंड इंजन ऑयल दोनों आप ही का होगा, हमारा ही होगा। अच्छा, मतलब कि आपने सिर्फ उनसे 2100 रुपए लिए, आपको आना है, ऑयल भी हमारा, लेबर कॉस्ट भी हमारी, सब कुछ हमारा हमारा है, बाकी कोई पार्ट डलता है उसका कस्टमर को पे करना होगा। इंजन ऑयल और सर्विस हमारी होगी, जैसे कि नई गाड़ी कस्टमर परचेज करता है तो उसको सिर्फ वॉशिंग फ्री मिलती है, इंजन ऑयल हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हमारे नई बाइक लेता है, लेकिन हम कस्टमर को इंजन ऑयल प्लस सर्विस 2100 रुपए में दे रहे हैं, प्लस एक महीने की इंजन की वारंटी देंगे, कंप्लीट वारंटी, एक महीने की इंजन की वारंटी, एक महीने की मतलब इंजन की कंप्लीट वारंटी है, इंजन की वारंटी, कुछ भी दिक्कत आए तो आप यहां पे आइए। अगर गाड़ी धुआं देती है, क्रैंक आवाज करती, पिस्टन और क्रैंक की वारंटी होती अच्छा, है अच्छा, अच्छा। और चीजों की नहीं होती है, जो कंपनी के हिसाब से रूल होता है वही वारंटी मिलेगी। अगर पिस्टन या क्रैंक में दिक्कत है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बाकी कोई खर्चा अगर कस्टमर कहता है क्लच फेल डाउन है या टाइमिंग चेंज है तो वो कस्टमर को कराना होगा। वैसे तो दिक्कतें आती नहीं होंगी, पहली बात तो दिक्कत आती नहीं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो, चेक करके देते हैं, चेक करके देते हैं, बाकी गाड़ियां हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, हादसा होने के लिए कुछ भी हो सकता है कई बार, लेकिन कोशिश ये होती है कि कस्टमर को दिक्कत ना आए, क्योंकि कस्टमर को हम अच्छी चीज़ देंगे तभी वो दूसरा कस्टमर हमें देगा, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा कस्टमर खराब हो। अब सेकंड चीज़ ये कि मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसको लोन पे लेनी है बाइक, हाँ जी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ेंगे? देखिए, अगर कस्टमर फाइनेंस कराना चाहता है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ गाड़ी देंगे दिल्ली के कस्टमर को, नहीं फाइनेंस वाले, या फिर फाइनेंस और कैश दोनों, दोनों गाड़ी दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लिए अच्छा, है अच्छा। क्योंकि अगर दिल्ली से बाहर का कस्टमर आता है तो उसके लिए हमें स्टेट ओनरशिप निकलवानी पड़ेगी, स्टेट ओनरशिप का खर्चा उसको दिल्ली में पे करना पड़ेगा, फिर वो जिस राज्य में ले जाएगा वहाँ उसका कम से कम हर राज्य में 6 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा होता है। अच्छा अच्छा, इतना खर्चा मिनिमम होता है, अलग से होता है, तो वो यहाँ से गाड़ी लेके जाएगा उसको उससे ज्यादा महंगी पड़ जाएगी क्योंकि आएगा यहाँ एनओसी का खर्चा देगा, फिर ट्रेन में या लेके जाएगा आएगा, उसके 10-15 हज़ार रुपये महंगी पड़ जाएगी, इतने पैसों में तो वो उसको गाड़ी वहीं से मिल जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है ना वो वहीं से गाड़ी खरीदे तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगी। सिर्फ आपके शोरूम का है, हर जगह हर जगह है यही रूल है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड होगा दिल्ली का तभी गाड़ी ट्रांसफर होगी। ओके, क्योंकि पहले होता था कि और सारी आईडी लग जाती थी तो काम हो जाता था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया कि सिर्फ दिल्ली का आधार कार्ड होगा, उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर OTP जाएगा, तभी कस्टमर को गाड़ी ट्रांसफर हो पाएगी। तो आप अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो ये जान लीजिए कि आप बेवकूफ़ ना बने, ठीक है? कोई भी शोरूम वाला आपको बोलता है कि हाँ जी हम ट्रांसफ़र करा देंगे, ये वो फलाना ढिकाना, अगर आप दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में बाइक खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है, जो हर कोई आपको नहीं बताता है, ठीक है? ये डिटेल कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि हम मेरे पास भी कॉल दिल्ली से बाहर की बहुत सारे लोग करते हैं, वो कहते हैं सर मैं आपको पेमेंट एडवांस डाल देता हूँ, मैं आपको पेमेंट एडवांस कर देता हूँ, आपके अकाउंट में पेमेंट डाल देता हूँ, गाड़ी डिलीवर कर दीजिए, लेकिन हम तो मना कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फंस चुके होंगे, क्योंकि लोग एक से एक लोग बैठे तो वो लोग पेमेंट डलवा लेंगे, लेकिन ना आपको गाड़ी डिलीवर मिलेगी और ना कुछ होगा, आपका पैसा बेकार हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ठगे हुए महसूस करोगे। इस चीज़ को नोट करके रखो, बाहर के जो लोग हैं तो वो कभी भी किसी को पेमेंट एडवांस ना करें जब तक शॉप पे विजिट ना करें, वहाँ जाके गाड़ी देखने के बाद ही लें, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है तो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? अगर दिल्ली का कस्टमर वो फाइनेंस कराना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, चेक, एक फ़ोटो और मकान अपना है तो एक बिजली का बिल लगता है। रेंटेड है तो? रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लग जाता है, सिविल, ठीक सिविल के ऊपर होता है, क्योंकि हम बैंक से फाइनेंस कराते हैं, IDFC बैंक होता है, बाइक बाजार, व्हील्स, EMI से, तो वो लोग सिविल चेक करते हैं, तो सिविल के ऊपर ही गाड़ी मिल पाती है, सारा खेल सिविल का है। अगर आपका सिविल ठीक है तभी गाड़ी फाइनेंस हो पाएगी, क्योंकि बैंक से कराते हैं, कोई प्राइवेट नहीं फाइनेंस कराते, क्योंकि प्राइवेट जो फाइनेंस कराते हैं वो लोग पेपर रख लेते हैं, और आज के टाइम में दिल्ली में आपको एक कदम भी बिना पेपर चलना मुश्किल का काम है, तो बैंक से कराएंगे तो जिसमें आपके नाम गाड़ी, आपको गाड़ी लेंगे तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, आपको पेपर मिल जाएंगे, सिर्फ बैंक की HP चढ़ जाएगी तो आप गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया का कि इन्होंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और जितनी बाइकें थी उनके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब भैया से अलविदा लेते हैं, और ठीक है भैया, चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। नेक्स्ट इसी तरह फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर गाइस आप मेरे चैनल के थ्रू आते हैं और मेरा नाम बताते हैं तो आपको भैया जो है हर बाइक के, जो भी आप बाइक परचेज करते हैं उसके साथ आपको एक हेलमेट फ्री मिलने वाला है। तो भैया हेलमेट दिखा दीजिए एक बार हमारे ग्राहक को, जो फ्यूचर के ग्राहक है हमारे। अगर आपकी वीडियो देख के कोई भी कस्टमर हमारे पर बाइक स्कूटी परचेज करने आता है तो हम ISI मार्क वाला हेलमेट देंगे कस्टमर को, फ्री आप कोच देंगे। अगर आपकी चैनल के थ्रू आपका वीडियो देख के कस्टमर आएगा और वो हमें दिखाएगा कि मैं सर मैं आपके पास ये चैनल देख के आया हूँ, और तो उस कस्टमर के लिए, सभी कस्टमरों को नहीं है, जो सिर्फ ये चैनल देख के आएगा आपका चैनल, तो आपके चैनल के लिए उन कस्टमरों को ये हेलमेट फ्री आपको कोट दिया जाएगा अगर वो गाड़ी हमारे से परचेज करके लेके जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए मेरा चैनल का नाम लीजिए और भैया आपको ये जो हेलमेट है ये बिल्कुल मुफ्त में देंगे। चाहे आप कोई भी बाइक लेते हैं, चाहे कोई सी भी स्कूटी लेते हैं, चाहे वो लोन पे लेते हैं, फाइनेंस करा के लेते हैं, चाहे वो फाइनेंस कैश कुछ भी लेते हैं, आपको ये हेलमेट फ्री मिलने वाला है। अगर आप पे ये हेलमेट फ्री दिया जाएगा जो कस्टमर आपकी चैनल को देख के आएगा।